जय श्री गणेश, गणपति बप्पा मोरिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी गणपति उत्सव चल रहा है और गणेश जी हमारे बिल्कुल छाए हुए हैं, और ये सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं सेलिब्रेट होता है, ये त्यौहार आजकल पूरे भारतवर्ष में मनाया जाने लगा है। गणेश जी सद्बुद्धि और विवेक और साथ ही साथ में बरकत लेके आते हैं, और कौन नहीं चाहता भला कि हमारे घर में बरकत आए। तो मैं आपको आज कुछ ऐसे पकवान बताती हूँ जो कि गणेश जी को बहुत ही प्रिय है, जिन्हें हम बनाकर भोग लगाकर और गणेश जी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो सबसे पहला पकवान जो कि गणेश जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है वो है मोदक। मोदक तो वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा फेमस मोदक होता है वो है स्टीम्ड मोदक, किंतु आजकल कई प्रकार के मोदक बनने लग गए हैं, रंग बिरंगे बहुत ही प्यारे, जिनमें से चॉकलेट मोदक बहुत ही ज़्यादा आजकल छा रहा है। ये तो है पहला। दूसरा प्रसाद जो हम गणेश जी को चढ़ा सकते हैं वो है मोतीचूर के लड्डू। मोतीचूर के लड्डू गणेश जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं, तो ये भी हम गणेश जी को चढ़ा सकते हैं। तीसरा है बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू भी गणेश जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि गणेश जी की मूर्ति के पास में या फोटो में एक लड्डू का थाल अवश्य ही रहता है। अगला प्रसाद है पूरणपुली। पूरणपुली महाराष्ट्र की एक फेमस डिश है, और वहाँ हर घर में ये प्रसाद बनाकर गणेश जी को चढ़ाया जाता है, और ये गणेश जी को बहुत ही प्रिय है। अगला प्रसाद है श्रीखंड। जैसा कि आप नाम देख रहे हो कितना प्यारा है, उतना ही इसका स्वाद भी बहुत ही गजब का है। ये हैंग कर्ड से बनाया जाता है, और इसे भी गणेश जी के प्रसाद के रूप में हम चढ़ा सकते हैं। अगला प्रसाद है चावल की खीर। तो चावल की खीर भी गणेश जी को बहुत ही प्रिय है, और गणेश जी को प्रसाद के रूप में ये अवश्य ही चढ़ाएं। अगला प्रसाद है ड्राई फ्रूट्स यानी कि मेवा। मेवा किसे नहीं पसंद होता है, जब हमें पसंद है तो गणेश जी को तो पसंद आना ही है, तो हम गणेश जी को ये प्रसाद के रूप में ज़रूर चढ़ा सकते हैं। अगला प्रसाद है मखाने की खीर। मखाने की खीर 10 दिनों के अंदर एक दिन बनाकर जरूर खिलाएं, इससे गणेश भगवान जरूर प्रसन्न होते हैं। अगला प्रसाद है शीरा यानी कि हलवा। आटे का या फिर आटे और केले का हलवा गणेश जी को अर्पित करें, वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। एक और मिठाई जो कि हम गणेश जी को चढ़ा सकते हैं प्रसाद के रूप में वो है गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन भी आप 10 दिनों के अंदर कभी भी प्रसाद में ज़रूर चढ़ाएं। तो ये हैं कुछ ऐसी मिठाइयाँ जो कि आप गणेश जी को भोग के रूप में चढ़ा सकते हो और उन्हें प्रसन्न कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।